अच्छा लग रहा है कोरोना के बाद इतने लॉन्ग टाइम पे ये परचेज करने मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, दिवाली का शॉपिंग करने आए, बहुत सारे तरीके का सामान है यहाँ पे घर को सजाने के लिए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। दीपावली जो है वो 2 दिन बाद आने वाली है, जिसको लेकर मार्केट जो है पटना का वो सज गया है। बता दें आपको कि करीब 3 साल बाद जो है पटना में ऐसी दीपावली देखने को मिलेगी। बता दें आपको कि 3 साल से जो है अच्छे से मार्केट नहीं लग पा रहा था, तमाम जो सामाने हैं वो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इस बार जो है धनतेरस के दिन जो है मार्केट जो है वो देखने को आज मिल रहा है और तमाम लोग जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। तस्वीर एक बार दिखा देना चाहेंगे, पटना का ये मार्केट है दीपावली को लेकर जो है वो लगाया गया है। हर साल लगाया जाता था, लेकिन 3 साल से जो है अच्छे तरीके से नहीं लग रहा था, जो सामान है वो नहीं मिल पा रही थी। बता दें आपको कि दीपावली जो है वो अच्छे से नहीं मना पा रहे थे लोग, और जिसको देखते हुए इस बार जो है तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है तमाम मार्केटें लगी हैं, तमाम चीज़ें जो है वो मिल रही है। तस्वीर एक बार दिखा देना चाहेंगे, गणपति की जो प्रतिमा है वो कहीं ना कहीं बिक रही है। तस्वीर देखिए किस तरीके से पटना का ये एक जगह है जहाँ पर पटना हाईकोर्ट के सामने जो है तमाम चीज़ें जो है बेची जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी अद्भुत कलाकृति जो है वो बनाई गई है, तमाम अनेक जगहों से जो कलाकार है वो आते हैं और दीपावली में जो है वो मार्केट लगाते हैं। बता दें आपको कि लंबे समय बाद जो है दीपावली पटना में बिहार में अच्छे से मनाई जाएगी। लंबे समय से जो है लोग दीपावली नहीं मना पा रहे थे, कोविड काल को देखते हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दीपावली नहीं मना पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें जो है वो अब मिल रही है और तमाम लोग जो है पटना के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सामान खरीद रहे हैं। एक बार देखिए किस तरीके से जो दीपावली के दिन जो पूजा किया जाता है, गणेश जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है वो है। देख सकते हैं मिठाइयाँ जो है वो तमाम लोग जो दुकानदार हैं वो बेच रहे हैं। बात करेंगे, भैया इस बार दुकान कैसा चल रहा है? ठीक है, 2 साल बाद मौका मिला था जी, लॉकडाउन के बाद तो 2 साल बंद ही था, 2 साल के बाद चालू हुआ तो लोग में उत्साह है, दीपावली धूमधाम से मना रहे हैं। पहले जैसी रौनक है? हाँ, रौनक तो है, पर लॉकडाउन से पहले जैसा रौनक है। जैसे ग्राहक आ रहे हैं जितना पहले आते? पहले जैसा ही आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए तो पहले जैसे ग्राहक आ रहे हैं, भैया का कहना है, और भी कुछ लोग हैं उनसे ही बात करें, लेकिन पहले आपको मार्केट दिखाएंगे किस तरीके से मार्केट जो है वो लगाया गया है। तमाम जो होता है दीपावली उसको लेकर तमाम मार्केट लगाया गया, तमाम चीज़ें जो है वो बिक रही है, और ये तस्वीर जो है पटना हाईकोर्ट के सामने जो है मार्केट लगता है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम जो दुकान में चीज़ें हैं वो दी जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से जो सामान है वो मिल रही है। बात करेंगे भैया से, भैया कैसा दुकान चल रहा है इस बार? थोड़ा मंदा मंदी चल रहा है सर, बाजार अच्छा नहीं है। 3 साल के बाद मौका मिला है? मौका तो मिला है, लेकिन आज देखिए आज तो सुबह से ठीक रहा, लेकिन 3 दिन से हम लोग लगाए हुए हैं, 3 दिन में बाजार कुछ खास नहीं रहा। आज 3 दिनों में आज है जो धनतेरस के दिन कुछ बाजार अच्छा है। पहले जैसी रौनक है, 3 साल पहले जो रौनक रहती थी? 3 साल पहले वाला रौनक नहीं अभी आया सर, महंगाई के कारण है ना, रौनक सब घट गया रहता है। महंगाई के कारण जो है रौनक घट गया है, और 3 साल बाद भी जो है 3 दिन से जो है मार्केट नहीं चल पा रहा था, लोगों का यह साफ कहना है कि आज जो है धनतेरस है इसलिए लोग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं और सामान खरीद रहे हैं। भैया से बात करेंगे, भैया लंबे समय बाद दीपावली को लेकर शॉपिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी का माहौल है। 3 साल बाद ऐसा मौका? हाँ, कोरोना के बाद ही प्रथम बार है जो कि हम लोग खुशी पूर्वक मना रहे हैं, अच्छा लग रहा। मार्केट में रौनक है? हाँ, आज बहुत अच्छा मार्केट में रौनक है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम लंबे समय बाद शॉपिंग करने का मौका मिला है, कैसा लग रहा है? और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस बार कैसा जो है वो लग रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद जो है वो मौका मिला है, दीपावली के मौके पर जो है लोग तमाम सामान जो है वो खरीद रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, कैसा लग रहा है लंबे समय बाद जो है तमाम चीज़ें मिल रही है, 3 साल बाद शॉपिंग कर रही होंगी आप? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जैसी रौनक है? हाँ, पहले जैसी रौनक। 300 रुपये का भैया। भैया कैसा चल रहा है दुकान? पहले के मुताबिक अभी रेट तो बहुत कम मिल रहा है, कोरोना टाइम था, 2 साल से 3 साल से कुछ दुकानदारी बंद था, और इस साल लॉकडाउन के कारण काफ़ी रेट हाई हो गया है, जिस कारण से थोड़ा मार्केटिंग पहले जैसा था भाव वो नहीं मिल पा रहा है, पहले कुछ और था, अभी मतलब उससे बहुत डाउन रह रहा है।
साल के बाद मौका मिला है, तब भी नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है अभी उतना। आज कैसा? आज धनतेरस है, थोड़ा बहुत कल के मुताबिक थोड़ा आज थोड़ा बाजार अच्छा है, कुछ दुकानदारी हो रहा है। आपके पास क्या कुछ उपलब्ध है? मेरे पास घर के डेकोरेट के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध है, जैसे मैं घर में ले जाने के लिए शोकेस के लिए ये फ्लावर घर के आगे सोफा उफा लग के आगे आसपास लगाने के लिए, फिर पूरा झूमर उमर है, लटकन है, बंदर बार सब है, ये सब घर के लिए झूमर वगैरह है। इस बार ये कुछ लाए हैं या फिर तीन साल बाद है? जी सिंधी टाइप लाए हैं, फिर ये लाए हैं, फिर थ्रीडी है, सब फ्रेम वगैरह झूमर वगैरह है, बैंगल्स घर के आगे लगाने का है। तमाम सब कोलकाता का आइटम है। कहाँ? मैं तो यहीं पटना का हूँ। पटना के हैं, कोलकाता से सामान लेके आए। जी कोलकाता से सामान लेके आए हैं ये भैया, तमाम आइटम जो है वो कोलकाता का है, और लंबे समय बाद यह मौका मिला है कि दुकान लगा पाए लोग। देखिए महिलाएं हैं, सामान ले रही है। अच्छा मैम, कैसा लग रहा है लंबे समय बाद मौका मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है, दिवाली का शॉपिंग करने आए, बहुत सारे तरीके का सामान है यहाँ पे घर को सजाने के लिए। तीन साल बाद ऐसा मौका मिला? जी जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से। पहले जैसी रौनक है मार्केट में? पहले जैसी, पहले से, हाँ बिल्कुल पहले से ज़्यादा ही है, क्योंकि इतने साल बाद मौका मिला है तो डेफिनेटली मार्केट और अच्छा सजा हुआ है। कैसा लग रहा है बाबू लंबे समय बाद मार्केट आए हैं? अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है। पटाखा छोड़ना है? तमाम बच्चे हैं, कहीं ना कहीं खुशी है उनके चेहरे पर, लंबे समय बाद जो है मौका मिला है मार्केटिंग करने का। और भी कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कैसा लग रहा है इस बार, क्योंकि लंबे समय बाद तीन साल बाद मौका मिला है। कैसा लग रहा है भाई लंबे समय बाद मौका मिला है? बहुत खुशी हो रही है, तीन साल बाद मौका मिला। हाँ तो पहले साल से कुछ प्रोग्रेस है, सेल हो रही है। पटाखा छोड़ोगे? नहीं पटाखा हम नहीं छोड़ना है, बच्चे तो है नहीं भैया, दिया जला। देखिए दिया जला लेंगे ऐसे कह रहे हैं। देखिए यहाँ तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से जो दिया है वो बनाया गया, अलग तरह का देख सकते हैं, तमाम अलग जगह से जो लोग हैं वो आए हैं, और तमाम कैंडल्स जो है अब जाके जलाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिया जो है वो बनाया गया है, देख सकते हैं मिट्टी का ये दिया जो है वो बनाया गया है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो कलाकृति है वो की गई है, तमाम अनेक जगहों से जो लोग हैं वो आए हैं, और आज मार्केट जो है वो लगा है। बता दें आपको कि लंबे समय बाद मौका मिला है और मार्केट में जो है रौनक देखने को मिल रही है, जो पूजा की सामग्री है वो मिल रही है। तो वहीं धनतेरस है आज, और धनतेरस के मौके पर जो लोग हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ले रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से मार्केट की जो रौनक है पटना के मार्केट की वो हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं सामानें खरीद रहे हैं, तो वहीं खुशी जो है वो देखने को चेहरे पे मिल रही है, तीन साल बाद जो है दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। भैया कैसा दुकान चल रहा है? अच्छा चल रहा है, लंबे समय बाद मौका मिला है। हाँ अभी तो शुरुआत हुआ है आज से, ठीक ही होगा। तेरह से इस मौके पर लोग आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। पहले तीन साल पहले जैसा होता था वैसा है क्या? नहीं उससे वैसा भी है, मैंने है लेकिन अभी वैसा नहीं, अभी है टाइम। एक्सक्यूज मी मैम, दीपावली है इस मौके पर मार्केटिंग कर रही है, लंबे समय बाद मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कोरोना के बाद इतने लॉन्ग टाइम पे ये परचेज करने मिला है, बहुत खुशी हो रही है। तीन साल बाद ऐसा मौका मिला है? तीन साल बाद कोविड था, इसके चलते जो है मार्केटिंग। हाँ कोविड से, और हम लोग भी यहाँ से बहुत दूर थे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे फेस्टिवल मनाने आए हैं घर से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रौनक कैसी है मार्केट? हमको तो बहुत अच्छी लग रही है। रौनक अच्छी है, बाहर से आए हैं लोग, और लोगों का साफ कहना है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, लंबे समय बाद जो मौका है वो मिला है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कैसा लग रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद जो है मार्केटिंग करने का मौका मिल रहा है, तमाम चीज़ें जो है लोग खरीद रहे हैं, और लोगों के चेहरे पे जो है खुशी जो है वो झलक रही है। देखिए खिलौने के जो सामान हैं वो भी मिल रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि तीन साल बाद जो है मार्केट लगा है, और तमाम लोग जो हैं उन्होंने मार्केट लगाया है। पटना का ये हाईकोर्ट का जगह है, जहाँ पर हाईकोर्ट के सामने जो है हर साल मार्केट लगता था, लेकिन तीन साल से मार्केट नहीं लग रहा था, और जिसके बाद अब जाकर मार्केट लगा। भैया दुकान कैसा चल रहा है? ठीक है, ठीक है, पहले जैसा है? हाँ ठीक है। तीन साल बाद मौका मिला है? हर साल लगता है।
बीच में तो कोरोना काल में अलाउ नहीं हुआ, कोरोना काल में भी लगा था। हाँ कब लगा था? अगले साल लगा था, 2019 में, 20 में, 21 में, बंद नहीं हुआ है। पहले जैसी रौनक है? पहले थोड़ा कम है, लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले से रौनक कम है, लेकिन जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, लंबे समय बाद मौका मिला है। और ये तस्वीर जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से लोग शहर पे खुशी जो है वो झलक रही है, और जो खरीदारी है वो लोग कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो पटना के अलग अलग जगहों से आए हैं और लगातार मार्केटिंग कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।